आज हम जिस ट्रैक्टर के बारे में जानने वाले हैं वो है सोनालिका DI 740 HDM। इसमें 42 HP का इंजन होता है जो उच्च प्रदर्शन और शक्ति सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट और मजबूत गियरबॉक्स जैसे फीचर्स भी शामिल होते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर कारवा यूट्यूब चैनल पर। इस YouTube चैनल पर आपको ट्रैक्टर और इसमें लगने वाले इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट रिगार्डिंग हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या खास बात है इस ट्रैक्टर की और किस किसान के लिए ये उपयोगी। सोनालिका DI 740 HDM ट्रैक्टर का न्यू अट्रैक्टिव लुक काफी आकर्षक और आधुनिक है। इसका डिजाइन मजबूत होता है जिसमें चौड़े और मजबूत टायर और इसकी एरोडायनामिक बॉडी शामिल होती है। ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा आमतौर पर बड़ा और स्थिर होता है जो इसे विभिन्न प्रकार की जमीन पर अच्छी पकड़ और संतुलन प्रदान करता है। इसके अलावा इसकी कलर स्कीम और ब्रांड लोगो इसे एक प्रीमियम लुक देती है। सोनालिका DI 740 HDM ट्रैक्टर में 42 HP का इंजन होता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। इसका इंजन क्षमता, उच्च प्रदर्शन और शक्तिशाली टॉर्क सुनिश्चित करता है जिससे विभिन्न कृषि कार्यों में आसानी से काम किया जा सकता है। इसमें 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है जो उच्च ईंधन क्षमता प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक स्ट्रोक में ईंधन का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इससे इंजन में अवशिष्ट गैसें निकलती है जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। 4 स्ट्रोक इंजन में स्थिर और शक्ति टॉर्क प्रदान किया जाता है जिससे उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। यह इंजन का प्रकार अधिक दीर्घकालीन उपयोग के लिए अधिक टिकाऊ होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम, सोनालिका DI 740 HDM ट्रैक्टर में कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम में गियर चेंज करते समय गियर्स लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिससे गियर बदलते समय सहजता और स्मूथनेस बनी रहती है। गियर स्पीड की बात करें तो इसमें 8 फॉरवर्ड गियर्स होते हैं। ये गियर्स विभिन्न प्रकार की स्पीड और पावर को समायोजित करने के लिए होते हैं जिससे विभिन्न खेतों और कार्य परिस्थितियों के लिए सही गति सुनिश्चित होती है। रिवर्स गियर की बात करें तो इसमें 2 रिवर्स गियर्स होते हैं। ये गियर्स ट्रैक्टर को पीछे की ओर चलाने के लिए होते हैं जिससे खेती और अन्य कार्यों के दौरान आसानी से दिशा बदली जा सकती है। इसके कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स गियर चेंजिंग को स्मूथ और सटीक बनाता है जिससे ड्राइविंग का अनुभव बेहतर होता है। ब्रेक टाइप की बात करें तो इसमें ऑयल इमर्ज मल्टी डिस्क ब्रेक्स होते हैं जो बेहतर ब्रेकिंग और लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो इसमें 2 साइड पर ड्रम ब्रेक्स होते हैं जो ट्रैक्टर को स्थिरता और नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। ऑयल इमर्ज मल्टी डिस्क ब्रेक की वजह से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में सुधार होता है और यह अधिक स्थिर और प्रभावी होते हैं विशेषकर जब ट्रैक्टर का भार ज़्यादा हो। सोनालिका DI 740 HDM ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी लगभग 2000 किलोग्राम तक होती है। यह क्षमता ट्रैक्टर के रियर हिच 3-पॉइंट लिंकेज द्वारा नियंत्रित की जाती है। सोनालिका DI 740 HDM ट्रैक्टर में स्टीयरिंग टाइप 2 प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल स्टीयरिंग और दूसरी है पावर स्टीयरिंग। इस सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप और सिलेंडर होता है जो स्टीयरिंग व्हील को हल्का और आसान बनाता है। पावर स्टीयरिंग के साथ स्टीयरिंग को मोड़ना और नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है जिससे चालक को कम शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लंबे समय तक ड्राइविंग करने के लिए ये आसान होता है। बात करें इसकी PTO यानी पावर टेक ऑफ के बारे में तो इस ट्रैक्टर में सिंगल या ड्यूअल स्पीड PTO सिस्टम होता है। इसके PTO की स्पीड आमतौर पर 540 RPM और 1000 RPM पर काम करती है। कुछ मॉडल्स में 540 E स्पीड हो सकती है। सोनालिका DI 740 HDM ट्रैक्टर में सामान्य साइज के टायर्स होते हैं। इसके फ्रंट टायर की साइज 6x16 होती है और रियर टायर 13.6x28 के होते हैं। ट्रैक्टर की स्थिरता और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं विशेषकर कटिंग क्षेत्रों में काम करते समय। फ्यूल टैंक की बात करें तो लगभग 55 लीटर की होती है। यह क्षमता लंबे समय तक काम करने के लिए पर्याप्त ईंधन स्टोर करने में सक्षम बनाती है। अगर आप इस ट्रैक्टर की कीमत जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दें या दिए गए नंबर 9650933899 पर हमें कॉल करें। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके ट्रैक्टर की कीमत बता देंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये ट्रैक्टर वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। धन्यवाद।